ऑप्शन है ये, और किसी के की मूवमेंट इसमें रहेगी नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने आपको बुलाया ताकि हम शेयर कर सकें आपसे कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कोई जॉब भी हम डिस्कस कर रहे थे कंसर्न डीसी साहिबान के साथ कि जैसे मेडिकल इमरजेंसी केसेस हैं, या जो स्कूल्स बच्चे जा रहे हैं, या जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स फॉल करती हैं नेशनल हाईवे पे, या जो नेशनल हाईवे के साथ जो एग्रीकल्चर लैंड है, या हॉर्टिकल्चर ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं, या किसी किस्म की कोई स्पॉन्टेनियस इमरजेंसी हो सकती है, तो इन उन केसेस में वो उसको जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हमने बताया है कि उनको कैसे रेगुलेट करना है ताकि वो लोग उनको अलाउ किया जा सके यूटिलाइज करने के लिए हाईवे। और मैं आपको बताऊं कि इसका जो बेसिकली जो क्योंकि जो ट्रूप मूवमेंट है जो इलेक्शंस के हवाले से जो नफरी जा रही है वो इतनी ज़्यादा है कि काफ़ी लंबी देर तक वो चलेगा, इसलिए कि लोगों को अननेसरली क्रॉसिंग्स पे दो दो तीन तीन चार चार घंटे रुकना ना पड़े अदरवाइज जैसे होता है, तो इसलिए उससे बेहतर ये सोचा गया कि दो दिन में हफ्ते में अलाउ किया जाए और मैक्सिमम वो नफरी को निकाल दिया जाए ताकि जो बाकी के दिन है उसमें नॉर्मल तरीके से जो है वो ट्रैफिक अप्लाई करे नेशनल हाईवे पे। ये जो प्रोसेस है और ये जो प्रोसीजर है ये सिर्फ नेशनल हाईवे पे रहेगा, लेकिन और किसी रोड पे इसका जो है उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, ना ही इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन और पैरेलल रोड्स पे नहीं होगी। तो अब इसमें ये था कि हमने इसमें अभी सारी एजेंसीज को इसमें सेंसिटाइज किया है कि उसको किस तरीके से इसको रेगुलेट करना है, और मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें कौन कौन से एक्सेप्शंस लिए जाएंगे, और चाहे वो इसमें एक और भी हमने रखा कि जो टूरिस्ट व्हीकल्स होंगी उनको भी आफ्टर ड्यू स्क्रूटनी जो है और जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उनको छोड़ा जाएगा, या किन कुछ लोगों ने जिन्होंने एयरपोर्ट जाना है या फ्लाइट कैच करनी है उनके लिए भी जो टिकट वगैरह है हमने जगह जगह पे कई पूरे हाईवे को हमने डिवाइड किया है सेक्टर्स में और जोन्स में, तो ताकि वहाँ पे मजिस्ट्रेट भी रहे और पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट रहे जो उनकी वेरिफिकेशन करेगा और साथ ही उनको फिर अलाउ भी करेगा। अगर कोई स्पॉन्टेनियस इमरजेंसी होती है तो उसके लिए नंबर्स वगैरह जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए जाएंगे ताकि उन नंबर्स पे लोग अपना इस्तेमाल करके उन नंबर्स को घुमा के बताएंगे किस किस्म की इमरजेंसी, और जो कंसर्न डीसीज हैं जो उनके मातहत हैं नोडल ऑफिसर वो फिर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इमरजेंसी वो अलाउ किया जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको बता दें कि ये जो दो दिन है, एक तो संडे का दिन है जिस दिन वैसे भी स्कूल वगैरह बंद होते हैं और जो दफ्तर वगैरह भी बंद होते हैं, दूसरा जो वेडनेसडे का है और उसमें से भी वही हिस्सा जो नेशनल हाईवे के साथ फॉल करता है उसी पे इसका जो है वो इम्पैक्ट है, और उसको हमने कैसे रेगुलेट करना है और कौन सी एक्सेप्शंस लेनी है, इन कैटेगरीज को हमने उससे बाहर रखना है। हाउएवर आफ्टर ड्यूली स्क्रूटनाइजिंग इट और उसके लिस्टें बनाने के बाद मैप आउट करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद उनको अलाउ किया जाए। हमने डीसी ऑफिस तक रखा ही नहीं है इसमें, हमने डीसी ऑफिस में आप शायद मेरी बात समझे नहीं, हमने देखिए डीसी ऑफिस तक रखा ही नहीं है। बिल्कुल वो मैंने पहले ही बता दिया उनके लिए कोई नहीं है, उनके लिए सिर्फ ये है कि उन स्कूल्स का जो है वो डिटेल्स डीसी कलेक्ट कर लेंगे और उन स्कूल्स के बच्चों को उनकी गाड़ियों को और जो स्टाफ है उनको अलाउ किया जाएगा। इसी तरह हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम्स जो हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा, बाकी जो अदरवाइज जो मूवमेंट है वो सारी देखें। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मैं क्योंकि डीसी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में रहा हूँ, पैरेलल रोड्स रन करती हैं हर जगह। ये प्रॉब्लम सिर्फ आएगी आपको जो यहाँ से नारबल से लेके बारामूला तक, क्योंकि वहाँ से एक ही हाईवे जाती है, लेकिन अगर आप देखो अनंतनाग से लेके इधर पांता चौक तक पैरेलल आपकी हाईवे भी एक चलती है जो पुरानी वाली है, उससे तो हमने किसी को कोई बंद नहीं होगा उसमें। No, obviously, definitely, government employees are not supposed to close their offices and sit at home. तो उनके लिए तो obviously वही, तो इसीलिए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किन लोगों को जो है वो उसमें allow किया जाएगा। However, after due scrutiny, ये कि तो फेक नहीं होना चाहिए, जो genuine case होगा उसको वहाँ से जाने दिया जाए। अगर हम बात करें तो highway, bypass का सर जो road गुजरता है, जो उसी को दो हिस्से में बांटता है, क्या मतलब, मैं नहीं समझा कौन से वाले को।
हैदरपुरा क्रॉस ओवर तो देखिए क्रॉस ओवर तो अलाउ है जैसे नॉर्मल टाइम में अलाउ है, ये सिर्फ साथ चलने के लिए है। जो क्रॉस ओवर है जैसे टेल निकल गई पीछे क्रॉस ओवर रह गया वहां पे जैसे रेलवे का जैसे फाटक लगता है तब तक वो रहेगा जब तक कॉन्वॉय निकलेगी, उसके बाद उसको क्रॉस ओवर करने दिया जाएगा जैसे नॉर्मल कोर्स में होता है, उसमें कोई इशू नहीं। जेके पुलिस मैजिस्ट्रेसी या बता दीजिए आप बताइए। इसमें जैसे बताया गया पहले तो ऐसा है कि एक टेम्पररी चीज है, टोटली टेम्पररी चीज है। मैं आपको बता दूं, देखिए थोड़ा सा मैं बताऊं, इसमें मैं जैसे आपको बताऊं जैसे बारामूला से हम शुरू करेंगे क्योंकि वहां पे 11 तारीख को इलेक्शन है या क्या है तो उसकी डिप्लॉयमेंट 7 को है, एक दिन उसमें 7 का आता है दूसरा दिन 11 तारीख का आता है संडे एंड वेडनेसडे, तो सिर्फ 24 घंटे के लिए इसका जो है वहां पे इसका असर अंदाज होगा। उसके बाद जिस तरह वहां से खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली दैट डिस्ट्रिक्ट विल बिकम फ्री ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन, आप समझे ना मेरी बात। इसी तरह भी जैसे जैसे निकलता जाएगा अल्टीमेटली दिस इज ए वेरी वेरी फॉर ए वेरी ब्रीफ ड्यूरेशन पीरियड, और इसमें इसको सोच समझ के इसलिए किया गया कि ताकि अननेसरी चोकिंग्स ना हो जाए, प्रॉब्लम्स ना हो, सिविलियंस को दिक्कत ना आए, तो इसलिए ये जो ब्रीफ पीरियड है जिस वक्त निकल जाएगा देन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रैफिक विल टेक ओवर। जी बताइए। नहीं जैसे बताया गया मजिस्ट्रेट्स रहेंगे, जेएनके पुलिस रहेगा, ट्रैफिक पुलिस रहेगा और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो आरओपी डिप्लॉयमेंट होती है वो रहेगी। जैसे डिपकॉम साहब ने बताया कि ये टेम्परेरी मेजर है और ये टेम्परेरी मेजर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है और उस समय जो भी जैसे क्रॉसओवर है एनएच के ऊपर क्रॉसओवर है, दूसरा एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज जैसे हैं स्टूडेंट्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, इमरजेंसी सर्विसेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सब उसमें और फॉर दैट मैटर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है कोई हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वाले जो है जिनके वहाँ है उसमें कोई रोक नहीं है ऑन स्पॉट। इसमें इवन इसमें मैं आपको बता दूं इसमें इवन जो इलेक्शनिंग कैंपेन के लिए भी अगर कोई उस वक्त होगा तो उसके लिए भी प्रॉपर नोटिस के बाद उनकी लिस्ट आउट करने के बाद उनको भी अलाउ कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है। नहीं बेसिकली प्रेस को जो है विद यू ऑथराइजेशन जो आपका है उसके साथ आपको कैन गो एंड कवर एवरी 11 का वैसे भी वो डे नहीं है। जैसे ये बताया जा रहा है ये पोल जैसे मूवमेंट हो रही है फोर्सेस का उसको मद्देनजर रखते किया जा रहा है, इसमें डेफिनेटली पब्लिक इनकन्वीनियंस हो रहा रहेगा बट वी नीड द कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक और इसको हम देखेंगे कि किस तरह से जितना डेलीगेशन करके जितने अच्छे से हम करते हैं ट्रायल। क्या मतलब लाइक व्हाट व्हाट ऑल? देखिए मैं आपको बताऊं क्योंकि मूवमेंट इतनी ज्यादा है फोर्सेस की इलेक्शन पर्पसेस के लिए कि वो सिर्फ ट्रेन तक ही सफाइस नहीं हो सकती, इसलिए हमको हाईवे को भी एज वन ऑफ द जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसको यूज किया जा रहा है। और कुछ?